हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिलिकॉन ट्यूब को यूज करने के लिए जो जुगाड़ बनाएंगे वो हैंडल बना रहे हैं हम अभी सिलिकॉन ट्यूब को यूज करने के लिए। तो ये सागवानी साग की पट्टी है, तो इसके ऊपर हमने स्क्रू लगा के पीछे से हैंडल घुमाएंगे तो ये आगे आगे नट जाएगा। तो ये पीछे का हैंडल हमने बनाया है इसका सिलिकॉन का, अभी नट लगा के इसे टाइट कर लेंगे और आगे का हिस्सा हम दिखाएंगे जो सिलिकॉन ट्यूब के अंदर लगेगा। उससे नट जैसा जैसा घुमाएंगे अभी जॉक जैसा ये वर्क करेगा। तो ये हमने इसका पीछे का हैंडल बना रहे हैं अभी। तो ये हैंडल हमने जुगाड़ से बनाया है, लकड़ी आपके पास पड़ी होगी कोई लकड़ी की चीज़ या कोई भी चीज़ आप उससे घुमा सके। और ये जो हम देख रहे ये जो ग्राइंडर आता है एंगल ग्राइंडर, उसी का चेक नट बोलते हैं इसे, ये चेक नट का यूज करेंगे। दो जो साइड के होल दिख रहे इसमें बीच में होल गिरा देंगे और साइड के होल में ये ऐसा एंगल ग्राइंडर का अंदर चेक नट रहता है। तो चेक नट लिया है हमने उसमें से और दो साइड के जो कटे हुए होल दिख रहे हैं उस पर स्क्रू लगा देंगे तो फिट हो जाएगा लकड़ी ऊपर। और इसको हम सिलिकॉन ट्यूब रख के इसका मार्किंग कर लेंगे कैसा शेप में इसे कट करना है। तो ये ऐसी इसी तरह आप कट लगा लेंगे और इससे को कट करके आप इसमें इसको सिलिकॉन ट्यूब में इसे अंदर तक धकेल कर उसमें बिठा कर उसको ऊपर से स्क्रू मार देना है और नट के ऊपर ये स्क्रू आ जाएगा। तो ये जॉग जैसा आगे प्रेस होता जाएगा जैसे आप घुमाते जाएंगे पिछला हैंडल, तो ये आगे वर्क करते जाएगा। तो इसी तरह ये ऐसा वर्क होता है। तो हम इसे अभी अपने मार्किंग कर लिया सिलिकॉन ट्यूब रखे, तो उस हिस्से को मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाऊंगा किस तरह से वो वर्क करेगा। जो साइड का आप गोल शेप में भी कट कर सकते हैं, मैं इसे चौकोर शेप में कट कर रहा हूँ, चौकोर सेट में ये देख सकते हैं ऐसा इस मार्किंग की तरह जो वो भी लाइन खींची वहाँ से मैं इसे कट कर ले रहा हूँ। आपके पास सैंडिंग पेपर या मशीन होगा तो उससे आप ऐसे गोल राउंड शेप दे के भी इसमें पीछे के हिस्सा जो है आपका इसका सिलिकॉन ट्यूब का उसमें इसे बिठा कर इसी तरह आप उसे चेक नट डाल के इसे वर्क कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये वर्क करता है। तो इसका मार्किंग कर लेना है आपको, आपको जितना हिस्सा इसमें से काटना है। तो ऐसा मार्किंग कर लेने के बाद में ऐसा चेक नट होता है, वो चेक नट बिठाने के बाद में ये आपका जॉग जैसा काम करेगा। तो ये आगे धकेलते हुए आप उसे आसानी से आप सिलिकॉन ट्यूब का यूज कर सकते हैं। और आगे का जो हिस्सा होता है सिलिकॉन का वो पैक होता है, तो थोड़ा ऊपर से कट करना है क्योंकि आप पूरा कट कर देंगे तो इसे जो सिलिकॉन का अगला नोजल होता है वो उसका थ्रेड उसमें नहीं बैठ पाएगा। तो वो कट करने के बाद में आपको 30 एंगल में जो सामने का हिस्सा होता है नोजल का वो तिरछा कट करके यूज करना है। तो अभी ऐसा चेक नट बिठा लिया, तो इसको बाद में स्क्रू मार के ये जो कटे हुए साइड के होल देख रहे हैं इसमें आप स्क्रू मार सकते हो। और स्क्रू से जब आप घुमाएंगे इसे पीछे से वो नट घुमाएंगे आप इसमें डाले हो तो ये आसानी से वर्क करेगा। तो उसे स्क्रू लगा के टाइट कर लेना है आपको, इस पर मार्किंग करके आप उसको ऐसा कट करके इसी तरह आप कम जुगाड़ में कम पैसे में इसका सिलिकॉन ट्यूब का यूज का जुगाड़ बना सकते हैं। तो ये आपके समझ में आए इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा कुछ कुछ पार्ट आपको रिपीट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि एक बार देखने में समझ में नहीं आता है जल्दी से। तो आप इसमें थोड़ा रिकवर करके आप देख के इस वीडियो से ये जुगाड़ सिलिकॉन ट्यूब यूज एप्लीकेशन का टूल्स आसानी से बना सकते हैं। आपको इसमें सिलिकॉन ट्यूब का जो मशीन होता है वो भी हैंडल मिल जाता है, पर वो 200-250-300 रुपये का मिलता है। तो आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो, आपके पास जुगाड़ में आप इंटरेस्ट रखते हो, तो आप ये जुगाड़ की सहायता से इसे बना सकते हो। तो मेरा दिखाने का यही जरिया था कि आप कम रेट में इस हैंडल को बना सकते हो। और मैं जो चेक नट दिखा रहा हूँ वो बीच में इसे मार्किंग करके उतना हिस्सा आपको ड्रिल मशीन से होल गिरा लेना है, जो चेक नट पे होल दिख रहा है वैसा होल इसमें आर पार गिरा देना है, सुराख गिराना है
सुराख गिराने से इसमें से जो नट है वो आर पार जाएगा, और जैसा हम स्क्रू की तरह कसेंगे इस तरह अभी से स्क्रू लगा दे रहे हम, तो ये काफ़ी आसानी से वर्किंग में आ जाएगा। तो इसी तरह काम होता है दोस्तों, जो जुगाड़ होता है इसमें मेजरमेंट और दिमाग का काम होता है। तो हमने ये ट्यूब बना लिया और इसे लगा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं पीछे हैंडल है कांच की, इसमें खिड़की की कांच में दिख